शराब घोटाले के मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व की भाजपा सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की भूमिका पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि 2017 में रमन सिंह की सरकार में शराब पर पॉलिसी बनाई गई, सारे दुकानों को शासकीय किया गया और कॉरपोरेशन के माध्यम से खरीदी और प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से मैन पावर की व्यवस्था की गई। नीति पर सवाल उठते हैं कि आखिरकार सिर्फ 3 शराब निर्माता कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी क्यों बनाई गई। राज्य के राजस्व में यदि कर चोरी साबित हुई तो वादा है कि पाई पाई का हिसाब लेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर कहा कि जहां तक बात शराब घोटाले की है तो पहले लूट के खाएंगे भाई भाई, फिर वसूलेंगे पाई पाई का ये झूठ का चूरन और नहीं बिकेगा। जब ईडी ने सब काले कारनामे उजागर कर दिए तब आपको कार्रवाई करने का होश आया। छत्तीसगढ़ के किसानों ने 2018 में 15 साल की सरकार को 15 सीट में समेट दिए, अब तो 13 रह गए। मैं तो यही कहूँगा, सजन रे झूठ मत बोलो, बहुत झूठ बोल लिए, अब झूठ के सहारे जनता के बीच में, किसानों के बीच में आप नहीं जा सकते। और रमन सिंह ने 15 साल में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको रमन सिंह ने ठगा नहीं, सबको ठगने का काम किया, किसानों को, मजदूरों को, आदिवासियों को, गरीबों को, युवाओं को, व्यापारियों को, सबको ठगने का काम। दूसरी बात, वो शराब के मामले में आरोप लगाया। आप सबको मालूम है कि 2020 में फरवरी में आईटी का रेड पड़ा था, फरवरी 2020, और अब जुलाई 2023 में ईडी ये कह रहे हैं कि 2168 करोड़ का घोटाला हुआ है बिना एक्साइज पेड शराब फैक्ट्रियों से निकली। तो सबसे पहली बात तो ये है, यदि शराब फैक्ट्रियों से बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए शराब की पेटियां निकली तो सबसे पहले तो डिस्टिलरों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी थी और वहां जो पदस्थ अधिकारी उसकी थी, उन पर तो कार्रवाई हुई नहीं और न उसके अचल संपत्ति अटैच किए, न उनके बैंक को सीज किए, बैंक खाते को सीज किए। जब ईडी कार्रवाई करती है, आईटी कार्रवाई करती है तो बताती है कि ये चल अचल संपत्ति हमने पकड़ा। जब 2168 करोड़ का आप आरोप लगा रहे हैं तो कितने संपत्ति जब्त किए, किसकी, कहीं आसपास है भी, और इसकी शुरुआत किसने की थी? 2017 में रमन सिंह की सरकार ने ये पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने सारे दुकान को शासकीय किया, कॉरपोरेशन के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था की, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से मेन सप्लाई का काम किया, मेन पावर सप्लाई का, और केवल 3 डिस्टिलर ही देसी शराब कॉरपोरेशन को सप्लाई करेंगे, ये कर्टेल बनाने का काम रमन सिंह ने किया। और उसके बाद इन लोगों से इनके क्या संबंध है रमन सिंह के, केवल 3 डिस्टिलर ही क्यों, जब नियम बनाए हैं और केवल 3 डिस्टिलरों को देना है, प्लेसमेंट एजेंसी नियुक्त करने का काम किया, वो सारे पॉलिसी वही चल रहा है, हम इन 4.5 साल में उसमें कोई चेंज नहीं किए, वही डिस्टिलर हैं, वही दुकानें हैं, वही प्लेसमेंट एजेंसियां हैं, तो आखिर क्या समझ के इसको किए थे? और रमन सिंह जी बताएं, इनसे आपके संबंध क्या है, क्यों इनके पक्ष में पॉलिसी आपने बनाई, दूसरे और देश के दूसरे डिस्टिलरों को मौका आपने क्यों नहीं दिया? और 2018-19 में आप देखें, इस पॉलिसी के तहत 3,900 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई और आज वो बढ़ के 6,500 करोड़ हो गया, मतलब 2.5 गुना से भी ज्यादा राजस्व की आय हुई। उसके बाद भी ये कहते हैं कि इसमें बिना एक्साइज ड्यूटी पेट किए वहां से शराब निकली, हमने उसे संज्ञान में लिया है और 3 डिस्टिलरों को और जो 4 अधिकारी पदस्थ हैं उनको नोटिस जारी किया गया है, यदि सही पाया गया तो 1-1 पाई वसूल किया जाएगा, राज्य सरकार उसे छोड़ेगी नहीं, राज्य के राजस्व में यदि कमी आई है, सिद्ध होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और 1-1 पाई वसूली भी की जाएगी। लेकिन रमन सिंह जी ये बताए, इनके साथ संबंध कितने गहरे संबंध थे, इस कारण से इनके लिए पॉलिसी बनाई उन्होंने। 2020 का मामला आज 2023 जुलाई
तो इसका मतलब ये है कि चुनाव देखकर ही ये सब, क्योंकि वो लड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर ये ईडी के माध्यम से वो लड़ना चाहते हैं, आईटी के माध्यम से लड़ना चाहते हैं, बचत न इनके साथ, किसान मजदूर गरीब आदिवासी महिला युवा कोई इनके साथ नहीं है, केवल सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र इनके द्वारा किया जा रहा है।